दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल 3 ईयर FTA HD बॉक्स के बारे में। दोस्तों इसका रिव्यू आपको दे देते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि एयरटेल 3 ईयर FTA HD बॉक्स का एक रिव्यू वीडियो आना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, वो चाहे सेटअप बॉक्स हो, वो चाहे कनेक्शन से संबंधित बातें हो, सभी विषयों पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट सबसे पहले और आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और रिव्यू कर लेते हैं एयरटेल 3 ईयर FTA HD बॉक्स का। सभी बिंदुओं पर रिव्यू होगा दोस्तों, सेटअप बॉक्स, NCF, परचेज ऑप्शन, वो सारी बातें इस वीडियो के अगले हिस्से में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल DS। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और एयरटेल 3 ईयर FTA HD बॉक्स के सबसे पहले STB के बारे में बताते हैं। दोस्तों सेटअप बॉक्स जो है इसका बड़ा ही शानदार है और सबसे अच्छी बात यह है कि एयरटेल ने जो ये बॉक्स लॉन्च किया है वो HD बॉक्स लॉन्च कर दिया है, यानी कि HD बॉक्स लॉन्च करने का मतलब ये हो गया कि उसमें हाई डेफिनेशन चैनल्स भी आप देख सकते हैं और स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स भी आप देख सकते हैं। चैनल्स क्वालिटी के बारे में दोस्तों हम आगे बातें कर लेंगे, अभी केवल हम STB पर ही सीमित रहते हैं। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स की परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी सब कुछ अच्छा है। तो अगर रिव्यू की बात करें STB के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई सेटअप बॉक्स की और उसके परफॉर्मेंस की, बड़ा ही स्मूथ परफॉर्मेंस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है STB के बाद कि जो इसका इंस्टॉलेशन है और अगर हम कनेक्शन ले लेते हैं तो इंस्टॉलेशन में क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो दोस्तों इस इंस्टॉलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बातें करते हैं दोस्तों चैनल्स लिस्ट के बारे में। जैसा कि कंपनी का दावा है कि जो चैनल्स लिस्ट हैं इसमें 270 आपको मिलेंगे, तो वाकई में 270 चैनल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो FTA चैनल्स होंगे क्योंकि FTA के रूप में लिस्ट किए गए हैं दोस्तों, तो FTA चैनल्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि उसमें आपको GNMOL, कलर्स रिश्ते, सोनी पल स्टार, उत्सव, ये सारे चैनल्स भी मिलेंगे और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर FTA HD बॉक्स, तो 3 साल के लिए है। मतलब ये है कि अगर आप सेटअप बॉक्स को रिचार्ज नहीं भी कराते हैं मंथली रिचार्ज ऑप्शन से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका पर्पस यही है कि उन कस्टमर्स तक पहुंचना जो कि पेड चैनल्स सीमित संख्या में देखते हैं और मंथली रिचार्ज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, यानी कि पेड चैनल्स सीमित है तो FTA चैनल्स आपके लिए अवेलेबल है इस सेटअप बॉक्स में। दोस्तों चैनल्स लिस्ट के बारे में भी जो बातें बताई गई हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब चैनल्स लिस्ट जो है उसमें FTA चैनल्स के रूप में आप देखते तो हैं लेकिन उसमें कुछ पेड चैनल्स भी होते हैं जो ये प्रमोशनल ऑफर ऐड समय समय पर कर दिए जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है एयरटेल 3 ईयर FTA HD सेटअप बॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों चैनल्स क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अगर आप कोई ऐसा चैनल एक्टिवेट कराते हैं जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल है तो जो क्वालिटी चैनल की होगी वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की होगी, हाई डेफिनेशन तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप HD चैनल एक्टिवेट कराते हैं, अपने सेटअप बॉक्स में सब्सक्राइब करते हैं पेड चैनल कोई भी, तो उसकी क्वालिटी हाई डेफिनेशन की होगी। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो सीधी सी बात है HD चैनल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स अवेलेबल हैं एयरटेल डिजिटल TV 3 ईयर FTA HD बॉक्स में वो किसी से कम है। दोस्तों आप जानते हैं जो एयरटेल के बॉक्सेस होते हैं वो अगर नॉर्मल सेटअप बॉक्सेस से अन्य जो ऑपरेटर्स हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों तो बेहतरीन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी चैनल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो भी बड़े ही शानदार होते हैं। अब बात होगी दोस्तों चैनल क्वालिटी की, अब बातें कर लेते हैं नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी की, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है इस सेटअप बॉक्स संबंधित, और उसके पीछे कारण भी आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों पैरेलल सेटअप बॉक्स से इसके कंपेरिजन में जिंग सुपर FTA डिश TV का, जिसमें कि पेड चैनल ऐड करने के लिए एज पर चैनल प्राइस NCF लगता है, NCF आपको देना पड़ता है, उस चैनल प्राइस में वो जुड़ जाता है।
यहाँ अच्छी बात एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी बॉक्स से संबंधित यह है कि NCF जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी है वो आपको नहीं देनी है, मतलब केवल चैनल प्राइस और 18% GST देना है। तो ये एक बड़ा अपग्रेड है दोस्तों, अगर कंपेरिजन की बात करें जिंग सुपर एफ टी डिश टी वी सेट टॉप बॉक्स से, तो ये एक बड़ा अपग्रेड यहाँ पर एयरटेल ने किया है, जिससे ग्राहकों का जो कस्टमर्स एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी बॉक्स खरीदेगा उसके काफ़ी पैसे बचेंगे। और एक वीडियो जो मैंने इस पर पहला बनाया था एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी बॉक्स पर, उस पर मैंने डिटेल में बताया है एक एग्जांपल दे करके भी कि कितने का अंतर आता है प्राइसिंग में। तो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी के बारे में अगर रिव्यू बताया जाए तो दोस्तों कंपेरिजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो समकक्ष बॉक्स है किंग सुपर एफ टी सेट टॉप बॉक्स डिश टीवी का, वो आपसे लेता है NCF चार्जेस एच पर चैनल प्राइस, यानी कि अगर ₹1 का चैनल है तो आप ₹5 NCF देना पड़ेगा उस पर, अगर ₹5 से अधिक का चैनल है तो NCF ₹10 लग जाता है, जिससे कि आपको एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी सेट टॉप बॉक्स में छूट मिल जाती है। तो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी के बाद आते हैं दोस्तों परचेज ऑप्शन पे। दोस्तों ड्रॉबैक यहाँ पर है इस बॉक्स का, और इसके पीछे का कारण क्या है कि जो परचेज ऑप्शन है वो अभी अवेलेबल काफ़ी जगहों पर नहीं हो पा रहा है, मतलब कहले काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि परचेज की सुविधा नहीं है। एयरटेल के अलग अलग बॉक्सेस तो आप परचेज करते हैं, तो एयरटेल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे उसके बाकी सेटअप बॉक्सेस चाहे स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो चाहे हाई डेफिनेशन हो बिक रहे हैं, वैसे ही ये वाला जो बॉक्स लॉन्च किया गया है एयरटेल की तरफ से उसका भी प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से हो। अगर किसी एक स्टेट में बिक रहा है तो अन्य स्टेट में भी जल्दी जल्दी लॉन्च किया जाए। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये होता दोस्तों कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, उन पर भी लॉन्च कर दिया जाता ताकि कस्टमर्स आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकें जो वेबसाइट्स हैं उनसे। तो परचेज ऑप्शन में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एयरटेल को ताकि ये सेट टॉप बॉक्स आसानी से उपलब्ध हो सके। अब दोस्तों बातें कर लेते हैं परचेज ऑप्शन के बाद एक और बड़े इम्पॉर्टेंट विषय पर, और उसका भी आपको रिव्यू दे देते हैं जो कि एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी बॉक्स से संबंधित है। दोस्तों इस रिव्यू वीडियो के बाद से आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप एक कंपेरिजन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस बॉक्स के बारे में जो भी आपके सवाल थे उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें दोस्तों फ्रीडम टू सब्सक्राइब टू पेड चैनल्स एज पर चैनल प्राइस, ये तो सबसे अच्छी बात है कि जैसे जिंग सुपर एफ टी सेटअप बॉक्स डिश टी वी का है उसमें भी आप सिंगल पेड चैनल ऐड कर लेते हैं, सेम यहाँ भी है एक पेड चैनल, एक से अधिक पेड चैनल्स आप एज पर चैनल प्राइस उसके साथ जो 18% GST है वो दे करके ऐड कर सकते हैं। ये सेम सिस्टम जिंग सुपर एफ टी एच डी सेटअप बॉक्स में है, वहाँ तो NCF लग जाता है, यहाँ पर बिना NCF के ही आप चैनल्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आप किस सुविधा अनुसार चैनल्स को ऐड करने का सिस्टम भी है, जो भी चैनल आपको पसंद आता है सिंगल पेड चैनल ले लीजिए, 3 साल तक उसी को एक्टिवेट रखिए, सेटअप बॉक्स को रिचार्ज करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 3 साल का अमाउंट है आपने वो पहले ही दे दिया है सेटअप बॉक्स परचेज करते समय। तो अगर इस पॉइंट पर रिव्यू देखा जाए इस बॉक्स का तो वो भी शानदार है दोस्तों, यहाँ पर भी विनर ही है ये सेटअप बॉक्स। अब दोस्तों जो चैनल्स आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ज़रूरी नहीं कि 19 रुपीज़ वाला ही चैनल हो, अगर कोई 10 पैसे का भी चैनल है 1 रुपये का चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर 18% GST लगा। सोच लीजिए 10 पैसे के चैनल पर 18% GST कितना लगेगा, तो 10 पैसे का चैनल लगभग 10 पैसे का ही होगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों इस बॉक्स के बारे में, क्या आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर कैसा है बॉक्स, ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों इन सभी बिंदुओं पर अगर बात की जाए जितने पीछे ऑप्शंस और जो भी इस सेटअप बॉक्स संबंधित पॉइंट्स हमने रखे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन में दोस्तों ये बिल्कुल विनर है, बेहद ही शानदार है और ये मार्केट में जल्दी जल्दी ग्रो करे इसके लिए एयरटेल को ये सोचना चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में भी ये जल्दी अवेलेबल हो और जो भी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल करती हैं वेबसाइट्स के माध्यम से, तो उस पर भी इसको अवेलेबल करा देना चाहिए ताकि ये अधिक से अधिक कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एयरटेल 3 ईयर एफ टी एच डी बॉक्स के बारे में रिव्यू वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन के बारे में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है वो भी कमेंट सेक्शन के बारे में
माध्यम से हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।